आपका नाम क्या है? धनपद प्रधान हूँ जी मैं। आपका धनपद प्रधान है? आप यहाँ के धन है और यहाँ के प्रधान भी है झुग्गी झोंपड़ी होके। जी जी। तो आप जो यहाँ रह रहे हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? यहाँ हम जो है जंगल में पड़े हुए हैं, सन 1995 से बैठे हुए यहाँ पर। 1995 से? जी। ये जो आप देख रहे हो ये लाल लाल बिल्डिंगे हैं, कोठियां बन रही हैं, पहाड़ में जो बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, उस टाइम वहाँ पर कुछ भी नहीं था जी। तब के हम बैठे हुए हैं। बैठने के बाद हमने कुछ संस्था बीच में आई, आने के बाद उन्होंने बताया, कहेंगे भाई आपके राशन कार्ड बनवा लो, पहचान पत्र बनवा लो, आईडिया बनवा लो। हमने कोशिश किया लेकिन हमारा नहीं बनने दिया। क्यों नहीं बनने दिया? कहेंगे आईडियो लाओ, जमीन के कागज दिखाओ। हमारे पास कोई प्रूफ था, मजदूर आदमी हम गुजारा करते हैं। इतने यहाँ पर कीड़े सांप मकोड़े इतने थे, अखद से ज़्यादा, मेरी ख्याल से भी कम ना, हम यहाँ पर 100-125 तो सांप वगैरह मार चुके हैं। तो वो जो सांप वगैरह थे हमने सपेलों को बुला बुला कर उनको छुटवा दिया है यहाँ से दूर। उसके बाद में ना हमारे पानी की सुविधा है, हमारी धी बेटियाँ गाँव जंगल में, हम यहाँ जंगल से जाती थी गाँव से, एक एक घर से पानी मांग कर जो एक एक दो दो डब्बे लेकर अपना जीवन सुपूर्ण कर रहे थे। तो उसके बाद में 2011 में जनसंख्या वाले आए, उन्होंने हमारा जनसंख्या से सर्वे किया। सर्वे करने के बाद हमारे कुछ फॉर्म बनकर आए, तो आधार कार्डों का हमारा ऑर्डर आया बनाने का। तो जी उसमें से 20% में से 5% बन चुके थे, 15% को रोक दिया गया आधार कार्ड को। जी वो हम ये नहीं जानते किसने रोका और किसने नहीं रोका, कहेंगे इन लोगों का तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। कुछ हमारे राशन कार्ड के फॉर्म जमा हुए, उनमें से 10 के करीब बन चुके, बाकी सारे ही उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद में पहचान पत्र हमने फॉर्म भरे, तो पहचान पत्र हमारे 5-10 पहचान पत्र आए, बाकी सारे डिलीट कर दिए। वोटिंग लिस्ट हमारी बन चुकी थी लेकिन वो सारे डिलीट करिए। 2016 में हम वोट भी डाल चुके हैं यहाँ पर, पहले वोट डाल चुके हैं जी। कर्नल ये जो आम आदमी पार्टी का कर्नल हमारे जो MLA हैं, इनके वोट हम डाल चुके हैं। डाल चुके हैं जी 2016 में डाले। उसके बाद में ना हमारे लिए कोई लेटरिंग बाथरूम की सुविधा, हमारी धी बेटियाँ जंगल है, बिया बन है यहाँ पर, रात बेरात जाती हैं तो सांप कीड़ों से भी डर लगता है, फिर भी मजबूरी में वो जाती हैं टॉयलेट करने के लिए। तो हमारे लिए लैट्रिन की सुविधा होनी चाहिए, ना ही हमारे कोई पानी की सुविधा है, ना ही हमारे अभी खुलकर पहचान पत्र बने हैं। और कोई भी डिपार्टमेंट का आता, कोई बताता ये एयरपोर्ट की जगह है, आप भागो यहाँ से। कोई आता है तो कहता गांव की जगह है, भागो यहाँ से। बहुत से आते हैं कि हम DDO सलम से हैं, आप यहाँ क्यों बस रहे हो, आपका कोई अधिकार नहीं है। तो हम डर के लिए अपनी झुग्गियाँ सही ढंग से नहीं बना सकते, तिरपाल डाल रखी है, गर्मी आती है, चौमासा आता है, पानी टपकता रहता है, नीचे बच्चे सोते रहते हैं, अपना जीवन सपूर्ण कर रहे हैं। उसके बाद में बनाने की कोशिश करते तो कोई भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी बीच में आके हमें धमकी दे जाता है, तड़ी देता है, गाली गलौज करता है, पुलिस वालों को भेज देते हैं, अगे आप पक्की झुग्गियाँ मत बनाना, जैसे वैसे बैठो। धनपद सिंह जी, अभी आपने बोला कि डालते हैं वोट डाला था आम पार्टी के लिए, जो आपके यहाँ जो वोट मांगने आते हैं तो उनका क्या व्यवहार रहता है आपके साथ में? देखिए साहब, वोट मांगने तो हर इलेक्शन में आते हैं, कांग्रेस का हो, BJP का हो, आम आदमी पार्टी का हो, कई दल आते हैं, निर्दलीय भी आते हैं, काम कोई नहीं करता, लेकिन आश्वासन दे जाते हैं। हमारे स्कूल के भी बच्चे जो हैं कर्मचारी, बस जी एक सच्चाई ये है गरीब लोगों की, और मैं आपको सच्चाई बता दूं, आपको थोड़ा बुरा लगेगा कि ये जो लोग हैं, जो नेता लोग आते हैं, वो तो ये सिर्फ एक क्वार्टर की या एक बोतल की वैल्यू समझते हैं कि इनको हम बोतल दे देंगे, हम वोट ले लेंगे। तो इन चीज़ों से आपको एक ना बिकने वाला समाज बनना तो पड़ेगा, अगर आप एक बार ना बिकने वाला समाज बन जाएंगे तो ये आपके पैरों में आके गिरेंगे। देखिए साहब, ऐसा है, वो बात आपकी ठीक है, जाइए, लेकिन हम गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी हैं, हम तो ये चाहते हैं वोट तो डालना ही है, लेकिन वो वोट तब डाले ना हमारा वोट पूरा बने। हमारे वोट नहीं बनने देते, हम लोगों से तो इतने जल रहे हैं कि ये यहाँ पर से जो है ना भागे और जाएं। उसके बावजूद में हमने परेशान होकर और धक्के खाकर, जब हमारे पे कुछ दिन पहले 2013 के अंदर हमारे ऊपर बहुत से आदमियों ने आकर लाठीचार्ज भी किया, कहने लगे DDO के अफसर हैं, कोई कहने लगे हम जो है एयरपोर्ट के, कोई कुछ बकने लगे, कहने लगे भागो, हमने नहीं भागा, हमने फिर मजबूरी में केस डालना पड़ा कोर्ट के अंदर।
तब जाकर हमें यहाँ पर थोड़ा शर्मनीय मिला जी। एसएचओ के पास हमने कोर्ट से लेटर लगवाया, एसएचओ ने बोला इनको कोई छेड़ेगा तो हम कानूनी उचित कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। तो यहाँ पर ना तो कोई लेटरिंग है, एक तो लेटरिंग होना चाहिए, पानी की सुविधा होना चाहिए, हमारे बच्चों को एडमिशन कराने जाते तो आपका प्रूफ दीजिए, एडमिशन नहीं हो पाते हैं। जब ये बीच में हमारे ये जो अपने कौन सी ये संस्था है ये जो आई है, इनमें हमारे एक कार्यकर्ता रोमिंग लड़का है, रोबिन जो है, एक क्या नाम सुनीता जी हैं, इन्होंने आकर जो है हमें थोड़ा बच्चों को यहाँ पर थोड़ा स्थान चादरों की वगैरह ये टीन वगैरह की झोंपड़ी सी बनाकर हमारे बच्चों को पढ़ाया, थोड़ी उनको शिक्षा मिल रही है, हमारा हौसला बढ़ रहा है, हमारे भी दिल में उम्मीद है हमारे बच्चे पढ़े लिखे, कुछ अफसर बने, कुछ नौकरी करें, ड्राइवर बने, गाड़ी चलाएं, पढ़ लिखें, चिट्ठी वगैरह बाँचें। तो हमारी सरकार से उम्मीद है हम लोगों के लिए अच्छे घर होने चाहिए, अच्छे बच्चे पढ़ने चाहिए, पानी की सुविधा मिलनी चाहिए, और ये हमें राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड बनने चाहिए।